Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are healthy and safe. आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज लेके आई हूँ. तो ये जितनी भी एक्टिविटीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये आप 3 से 5 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें. वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई नो कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं इस चीज के बारे में. तो ये जो फाइल मैं यूज कर रही हूँ, ये 3 रिंग बाइंडर फाइल है और इसके अंदर मैंने ये वाले जो हैं ये पेज प्रोटेक्टर्स हैं. एज यू कैन सी, ये पेज प्रोटेक्टर्स हैं. तो इन शीट्स पे एक्टिविटीज बना के मैंने इन पेज प्रोटेक्टर्स में डाल के इस फाइल में जो है वो रखी हुई हैं. ये कौन सा बाइंडर मैं यूज़ कर रही हूँ या फिर कौन से पेज प्रोटेक्टर्स हैं या कौन से मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो इनकेस अगर आप भी खरीदना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. तो इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 बॉक्सेस बनाए हैं और एक बॉक्स में मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर दी हुई है और सेकेंड बॉक्स जो है वो ब्लैंक रखा हुआ है. तो बच्चे को क्या करना है, इस पिक्चर को कंप्लीट करना है. तो इस एक्टिविटी को थोड़ा और फन बनाने के लिए आप बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो यूज करने के लिए कह सकते हैं. तो बच्चे को सिंपल क्या करना है, उसे कॉपी करना है कि जो चीज भी यहाँ पे की होगी बच्चे को सेम चीज जो है वो यहाँ पे कॉपी करनी है. तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी अभी कॉम्प्लेक्स हैं तो आप इजी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल, यहाँ पे मैंने हाउस बनाया हुआ है, नीचे ट्री है. इसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है, ये भी बिल्कुल बेसिक सी एक्टिविटी है, देखने में आपको बहुत ईजी लग रही होगी बट ट्रस्ट मी, बच्चों के लिए ये थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है. तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेटर्स मैंने अपर केस में लिखे हैं और यहाँ पे लोअर केस में लिखे हैं. कुछ मैंने डॉटेड पैटर्न्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, लाइक डॉटेड लाइंस बनाई हुई हैं. तो बच्चे को अब ये वाली एक्टिविटी करने में बच्चे को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी जो लाइन है, लाइक अगर ए से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो बच्चे को पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि ये ए जो है वो कहाँ जा रहा है. तो इस एक्टिविटी के लिए भी आप बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट अगर कलर्स देंगे तो वो काफ़ी इंजॉय करेंगे इस एक्टिविटी को करना. तो अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि देखने में हो सकता है आपको लगे कि ये बिल्कुल ही बेसिक सी एक्टिविटी है, बट बच्चों के लिए ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट होगी और उनकी कंसंट्रेशन और फोकस के लिए ये एक्टिविटी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी. दिस इज़ द डायरेक्शन एक्टिविटी. तो ये वाली एक्टिविटी मैंने अपनी, अगर आपने मेरी डेली प्रैक्टिस की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने ऐसी वाली एक्टिविटीज काफ़ी शेयर की हुई हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टॉप में आप देख सकते हैं कि मैंने 5 एरोज ड्रॉ किए हैं और उन्हें सर्कल कर दिया है डिफरेंट डिफरेंट कलर से. तो बच्चे को क्या करना है, उसे देखना है कि कौन से एरो को किस कलर से सर्कल करना है. तो वो यहाँ पे एरोज को फाइंड करेंगे और फिर उन्हें सर्कल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो डाउनवर्ड एरो है वो बच्चे को रेड कलर करना है. तो बच्चों को अभी यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि डाउनवर्ड जो एरो जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ हैं और उन्हें इन एरोस को ढूंढ के रेड कलर से जो है वो इन्हें सर्कल करना होगा. तो अगेन ये वाली एक्टिविटी भी देखने में हो सकता है आपको बहुत इजी लगे, बट बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनके फोकस के लिए ये वाली जो एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है. इससे बच्चे को डायरेक्शंस का थोड़ा आइडिया होगा, लाइक अप डाउन लेफ्ट राइट. तो इस एक्टिविटी के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि जो 5 एरोज हैं वो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा हैं तो आप 2 और 3 एरोज से भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये आपकी मर्जी है. तो ये वाली एक्टिविटी भी मैंने पास में आपके साथ शेयर की है अपनी डेली प्रैक्टिस की वीडियोस में. तो ये वाली एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग के लिए, उनके कंसंट्रेशन के लिए. तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए. तो ये चीज़ मैं आपको हर एक्टिविटी के लिए कहती हूँ कि जब भी आप कोई नई एक्टिविटी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो जस्ट स्टार्ट विद बेसिक, ताकि बच्चे को जो है उस एक्टिविटी को करना कैसे है वो चीज़ उसे क्लियर हो जाए. फिर धीरे धीरे करके आप जो है वो एक्टिविटीज़ का लेवल थोड़ा हाई कर सकते हो, एक्टिविटीज़ को थोड़ा डिफिकल्ट बना सकते हो. तो अगर आप इस वाले देखें तो यहां पे क्या है कि बच्चे को क्या करना है, उसे एरोज की डायरेक्शंस को फॉलो करना है. लाइक फर्स्ट वन, दिस फर्स्ट एरो इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो बच्चा यहां से स्टार्ट करेगा और एक लाइन ड्रॉ कर देगा ऐसे. देन दिस, और साथ ही साथ आपको बच्चे को क्या बोलना है कि जो भी एरो उसने यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी उस एरो को वो कट करता जाए ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो.
Next, this arrow is going up. This one is going again right. This one is going down. Then again right, then up, then again right, down, and again right. तो ये वाली बिल्कुल ही बेसिक सी एक्टिविटी है. तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इसी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्री टाइप्स के जो एरोज हैं, राइट, अपवर्ड एरो और डाउनवर्ड एरो ही यूज हो रहा है. तो जब बच्चे को इसका आइडिया हो गया कि इस वाली एक्टिविटी को करना कैसे है, फिर आप उन्हें जो स्लैंटिंग डायरेक्शंस में एरोज हैं वो दे सकते हैं, या फिर ज़्यादा एरोज देके इस एक्टिविटी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं. फर्स्ट दिस इज स्लैंटिंग एरो, देन टूवर्ड्स राइट, देन वन टाइम अप, अगेन अप, देन राइट, डाउन, स्लैंटिंग, राइट, अप, राइट एंड डाउन. तो इस एक्टिविटी को भी आप डिफरेंट नंबर ऑफ वेज से करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं, बट ऑलवेज स्टार्ट विद द ईजी वन. उसके बाद ये एक विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटी है. तो आप देख सकते हैं इस पेज में मैंने रैंडमली कुछ इमोजीज ड्रॉ किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करके, और अभी बच्चे को क्या करना है, जो सेम इमोजीज हैं वो उन्हें मैच करना है. तो यहाँ पे बच्चे को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को इमोजीज के एक्सप्रेशंस जो हैं उनसे मैच करना है, ना कि कलर से. क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने सेम कलर से जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई हुई हैं, ताकि बच्चे के लिए ये एक्टिविटी बहुत इजी ना हो. बट अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपके बच्चे ने पहले ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक कलर से सिर्फ एक पेयर ही जो है वो बनाएं, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो. और तो जब बच्चा समझ लेगा कि उसे करना कैसे है, फिर आप सेम कलर से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो इमोजीज ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि बच्चे के लिए इन्हें मैच करना इतना इजी ना हो. नेक्स्ट, देयर इज वन मोर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटी. तो ऐसी वाली भी सिमिलर कुछ एक्टिविटीज़ मैंने पास्ट में शेयर की हुई हैं, उनके भी वीडियोस आप चेक कर सकते हो. तो इस एक्टिविटी के लिए भी आपको क्या करना है, बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट कलर के, जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करके, अभी बच्चे को उन पैटर्न्स को जो है वो फॉलो करना है, और साथ ही साथ उन्हें कलर जो है उसका भी ध्यान रखना है. लाइक अगर ये वाला आप कहें, तो इसके लिए बच्चे को पहले देखना पड़ेगा कि इसमें कितने कलर्स यूज हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो बच्चा पहले 4 कलर्स चूज करेगा जो से इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए चाहिए. फिर उसके बाद बच्चे को देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन जो है वो किस कलर से बनानी है. तो फर्स्ट वी हैव टू यूज ब्लैक पेन एंड ड्रॉ 1 सर्कल एंड 2 ears. फिर उसके बाद ब्लू पेन यूज करना है. तो आई डोंट हैव ब्लू, सो आई एम गोइंग टू यूज ऑरेंज फॉर ब्लू. तो यहाँ पे इसके ears को कलर करना है, और इसका माउथ बनाना है, देन टीथ बनाने हैं. आफ्टर दैट आईज के लिए जो है वो ग्रीन कलर यूज होगा, एंड फॉर नोज एंड ears बच्चे को जो है वो रेड कलर यूज करना है. नाउ आई हैव वन मैथ्स एक्टिविटी. तो ये भी अगेन कलर कोऑर्डिनेशन की ही एक्टिविटी है, बट इसके लिए अभी बच्चे को क्या करना है कि उन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है उसका भी आप रिवीजन करवा सकते हो. लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 1 to 6 तक जो है वो नंबर्स लिखे हैं. हर एक नंबर के लिए मैंने डिफरेंट कलर चूज किया है. तो अब बच्चे को क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं इस पेज में मैंने रैंडमली कुछ एडिशन के और कुछ सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए हुए हैं. तो बच्चे को क्या करना है, पहले हर एक सम को सॉल्व करना है, उसका जो भी आंसर आएगा, फिर उन्हें सर्कल करना है जो भी जैसे आंसर आएगा. अगर लेट्स से अगर ये वाला है, दिस इज 1 + 2 = 3, तो 3 के लिए कौन सा कलर है, रेड. तो बच्चे को यहाँ पे रेड कलर यूज करना है. देन 1 + 0 = 1, तो इसके लिए क्या आएगा, ब्लैक कलर. 4 + 2 = 6, तो 6 के लिए कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर. दिस इज 6 - 2 = 4, सो ग्रीन फॉर 4. तो अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एडिशन के लिए एक्टिविटी दे सकते हैं, या सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए दे सकते हैं, या फिर आप भी कुछ ऐसा सिमिलर कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मिक्स करके आप ये एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं. आफ्टर दिस आई हैव वन मोर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. तो ये भी बिल्कुल ही इजी सी एक्टिविटी है. इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं, और जैसे यहाँ पे मैंने जितने डॉट्स बनाए हैं, यहाँ पे भी मैंने उतने ही डॉट्स बना दिए हैं, और इन्हें ब्लैंक छोड़ा हुआ है.
तो बच्चे को अभी क्या करना है कि जो भी यहाँ पे पैटर्न होगा वही बच्चे को पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है। लाइक बच्चे को देखना पड़ेगा कि लाइक फर्स्ट रो है अगर, तो सेकंड डॉट से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे, देन दिस दिस एंड दिस। तो ये वाली एक्टिविटीज़ भी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, उनकी लॉजिकल थिंकिंग के लिए। ये डायरेक्शंस का बच्चे को इससे आइडिया होगा। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चे की डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इन एक्टिविटीज़ को आप एंडलेस वे में बच्चे को करने के लिए दे सकते हो। आप उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इस एक्टिविटी को डिफ़िकल्ट या फिर ईजी जो है वो बना सकते हो। अगेन आई विल सजेस्ट कि जब भी आप स्टार्ट करें ये एक्टिविटी, तो प्लीज़ स्टार्ट विद द ईजी वन, सो दैट बच्चे को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि उसे इस एक्टिविटी में करना क्या है। तो सेम जैसे ये वाली एक्टिविटी है, तो कुछ आप अगर आपको इजी स्टार्ट करना है तो कुछ आप ऐसे वाले पैटर्न्स बच्चे को दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इजी से पैटर्न्स हैं, तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब बच्चे को ये इजीली कर लेगा बच्चा, तो फिर आप पैटर्न्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के कुछ इस टाइप के पैटर्न्स दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं आज, ये बिल्कुल ही ईजी हैं बनाना, और आप इन्हें इजीली घर पे बना सकते हो, और बच्चे काफ़ी इंजॉय करेंगे इन एक्टिविटीज़ को करना। सो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप ये वाली एक्टिविटीज़ अपने बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए। ऐसी एक्टिविटीज़ करना एक तो बच्चे इंजॉय भी करते हैं, साथ ही साथ उनकी लॉजिकल थिंकिंग के लिए ऐसी वाली एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आई होप आज का वीडियो भी आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको कुछ आइडियाज़ मिले हों जो कि आप अपनी होम स्कूलिंग की जर्नी में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप ये वाली एक्टिविटीज़ ट्राई करते हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि वहां पे मैं जो डे टू डे बेसिस पे चिया को चीजें करवाती हूँ वो मैं काफी एक्टिविटीज वहां पे शेयर करती हूँ। तो अगर आज का वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।